हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पास बच्चे स्कूल जा चुके थे और ब्रेकफास्ट का काम जो भी है, खाना पीने का सुबह का, वो सब हो चुका था। और बस मैं अलमारी ठीक कर रही थी। तो दूसरे वाला जो पार्टीशन अलमारी का, वो मैंने ठीक कर लिया। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने फ़ोन ऑन ही नहीं किया है। तब फिर जब दूसरे साइड का रह गया था, तो जल्दी से मैंने पूरे कपड़े निकाल दिए हैं। और जो पहनने वाले, मतलब पहनना है, वो मैं अलग रखूँगी। जो कुछ कपड़े छाटने थे से मुझे, जो मैं नहीं पहनती या पुराने हो गए, तो उनको मैं अलग कर रही थी। और सब कपड़े फोल्ड करके और फिर वैसे ही जमा देना है बस। मतलब पूरी अलमारी को इधर के मैंने पूरी साफ़ कर ली है। सब पूरे कपड़े निकाल के और फोल्ड करके मैंने बना दिए। बहुत टाइम से नहीं बनाया था तो गंदे, मतलब सब कपड़े ऊपर नीचे सब निकालते रहते हैं ना, तो ख़राब हो गए थे। और उतने सारे कपड़े हो गए हैं पुराने, तो उनको मैंने अलग कर दिया है। ऐसे पोछी पोछा बनाने के काम आ जाएंगे। और इसके बाद मैं अलमारी ठीक करने के बाद, ऊपर के जो अलमारी के ऊपर बहुत सारे डिब्बे रख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मतलब सब में कुछ ना कुछ है ही। या कुछ ऐसे रखे हैं पेपर, कुछ दवाइयाँ जो उनके डेट एक्सपायरी हो गए हैं, तो उनको मैं फेंक दूँगी। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, बस वही रखना है। तो ये डिब्बों जो आप लोग देख रहे हैं, सूज वूज के हैं, तो इसमें जो अच्छे हैं तो उनको रख लूँगी, और जो ख़राब हैं तो उनको मैं छांट के और फेंक दूँगी अभी। तो बस यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम रखते रहते हैं और फिर इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसमें मैं देख रही थी। पर यह कि टब का मैंने करीब एक हफ्ते पहले छांट लिया था। और इसमें से जो एक आप लोग डिब्बा देख रहे हैं, इस वाले को, जो छोटा वाला है, उसको फेंक दूंगी। और जो न्यू रखा है उसमें पूरा सामान, सब लाइटिंग का हो गया ना, बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं जो ज़रूरत की रहती हैं। डेली तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी बीच बीच में, फिर तो घर में हर चीज़ होता है। तो इसमें भी कुछ सामान रखा था, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। और इसके बाद छाटने के बाद बस साफ़ सफाई का काम हो गया। अब रह गया बिस्तर का। तो जो कपड़े हैं इसमें, तो बच्चे जब स्कूल चले गए हैं तो इनको अभी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, गंदे नहीं हैं। आज के काम बच्चों के आ जाएंगे। और सभी चीज़ को हटा के, मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी हो रहता है ना, तो एकदम सब घर फैल जाता है। तो पहले कंबल वम्बल फोल्ड करके रख लेते हैं। और इसमें दो तीन दिन से ना बारिश होने लगी है, तो सुबह सुबह भी ठंड जैसे हो जाती है फ़ैन चला के रखो तो। और यहाँ बस फटाफट बिस्तर झाड़ के, और मैंने भी फिर से वैसे ही बिछा दिया है। और थोड़े से कपड़े दिख रहे होंगे, तो ये कल के नहीं, परसों के कपड़े हैं, क्योंकि कल तो हमने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, सूखे नहीं थे। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था कि हवा लगती रहेगी फ़ैन के, तो सूख जाएंगे। तो इनको रह गए हैं फोल्ड करने के लिए, तो इनको पहले रख देती हूँ और बाकी के काम जो है वो पहले निपटाती हूँ। तो कपड़े मैंने हाथ से ही साफ़ कर लिए थे और मशीन में सुखा दिए, क्योंकि मौसम सही नहीं है। और फिर सूखेंगे नहीं, सूखेंगे तो पूरे घर में कपड़े कपड़े ही पड़े रहते हैं, तो इसीलिए मैंने मशीन से सुखा दिया है। और अब चलते हैं, इनको छत में फैला के आती हूँ, थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी। धूप तो बिल्कुल भी नहीं करके रखा है, तो कम से कम थोड़ा सा हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे। और वैसी मशीन को जैसे ही थी पहले वैसे ही ढक देती हूँ। तो इसको ढकने का मतलब है कि ख़राब भी नहीं होती, कलर भी नहीं जाता, क्योंकि दो तीन साल की करीब की हो गई वाशिंग मशीन, पर इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं लग रही। और जैसे ही कपड़े धो के मैंने, वैसे ही बारिश होने लगी। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो सुबह मैंने बनाया था खिचड़ी, तो अभी बहुत सारी खिचड़ी रखी है, तो क्योंकि बच्चे आके स्कूल से खाए नहीं हैं, तो अब बनाऊँगी रोटी और सब्जी। तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी, तो चलिए बनाती हूँ, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी सब लोगों को, और रोटी सब्जी, इसलिए चावल वावल मुझे नहीं बनाना है। और इसके बाद फिर आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया। तो आलू और बैंगन की सब्ज़ी मैं बना लूँगी जल्दी से कुकर में, तो कुकर में जल्दी भी होती है और मुझे सही भी लगती है। और ऐसे में ना गैस की भी बचत होती है, जैसे हम कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं, तो कुकर में बनाने से गैस में, गैस कम ही यूज़ होती है और जल्दी पक भी जाती है। तो ये कि बस ये होता है कि पानी हम ज़्यादा नहीं डालें सब्ज़ी में, जितना मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही डालना है, क्योंकि कुकर में सब पानी पकता नहीं है। और यहाँ पर जल्दी सब्ज़ी कट कर लेते हैं, और अभी आटा लगाना है। तो सब्ज़ी में तड़का पहले लगा देती हूँ और इसके बाद फिर आटा लगाऊँगी। तो
सब्जी बन गई है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, धनिया पत्ती डाल दिया तो सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कपड़े डाल के रखी हूँ छत में, हवा बहुत तेज़ चल रही है, देखते हैं कहीं बारिश होने वाली है तो देख के आते हैं सूखे हैं या नहीं, सूखे होंगे तो उनको निकाल के लेके आऊँगी। बारिश तो नहीं हो रही पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, सब कपड़े इधर से उधर उड़ गए हैं, देखते हैं सूख गए होंगे ना तो इनको निकाल के लेके चलती हूँ। तो ड्रेस तो सूख ही गए हैं, तो चलिए जो सूख गए उनको निकाल लूँगी और बाकी के अभी डले रहेंगे, बारिश नहीं हो रही है तो चलिए पहले कपड़े निकाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ। अभी बारिश हो रही है बहुत ही तेज और दूध उध इधर पका दिया है। और रही खाना बनाने की बात, और जो शाम दोपहर में मैंने 1-1.5 बजे करी सब्जी बनाई थी ना, तो वैसी की वैसी ही रखी है क्योंकि ये लोग चले गए थे घर के साइड तो उधर से लेट लपेट आए, और आने के बाद थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लिए थे, खिचड़ी जैसे मैंने बताया था खिचड़ी रखी हुई है और सब्जी वैसी ही रखी रहेगी, आटा रखा है। तो सब्जी तो मान लीजिए कि अभी मैं दोपहर में यूज कर लूँगी और रोटियाँ बना दूँ, सॉरी रात में। और साथ में क्या हुआ कि घर से आए बच्चे लोग तो पिज्जा उज्जा लेके आ गए थे, तो इन सब लोगों ने खा लिया है अभी ना, तो किसी का भी किसी को भी भूख नहीं है, अगर खाएंगे खाना पीना तो लेट लपेट ही थोड़ा बहुत रोटियां खाएंगे तो बना दूंगी। और सब्जी इधर रखी है तो इसका ढक्कन मैंने खोल दिया ताकि थोड़ा सा हवा जाती रहे, ख़राब ना हो सब्जी। और तो चलिए आपका खाना ऑलरेडी बना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, और दूध पका लिया बस ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख देंगे, अभी गर्म है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है सुबह की, क्योंकि इसके बाद रात में भी मैंने कोई भी क्लिप मतलब शूट ही नहीं करी थी क्योंकि इतना खाना बनाने के लिए था ही नहीं। तो चलिए इसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो आलू उबालने के लिए मैंने रख दिया है क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में आलू पराठे बनाने हैं। तो आलू मैंने पहले एक बार मतलब चेक कर ली थी, 2 पक गई थी, बाकी की थोड़ी थोड़ी ना आलू कच्ची थी तो उसको फिर से मैंने रख दिया है कुकर में गैस लो करके, कि थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मतलब रख देंगे तो अच्छे से जो अंदर से आलू नहीं पकी है तो पक जाएंगे। और तब तक के लिए लहसुन अदरक का और मिर्ची का पेस्ट बना के रेडी कर लेती हूँ, तब तक आलू ऑलरेडी पक जाएंगे और ठंडी भी हो जाएंगी। और आटा लगा के मैंने रख लिया है, जैसे सबसे पहले मैंने आलू रखा गैस में और इसके बाद आटा लगा ली हूँ, तो आटा फूलने के लिए भी टाइम चाहिए और थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी आलू ना में मैं तड़का लगाऊंगी तो जिसकी वजह से ना एकदम आटा सॉफ्ट चाहिए, कि अगर हम पराठा बनाते हैं ताकि मतलब रोटी के जैसे ना एकदम सॉफ्ट मतलब हल्का सा गीला गीला आटा। और इसके बाद आलू मैंने सारी छील ली है और इसको कद्दूकस कर लेते हैं ताकि क्या कि अगर हाथ से मसलते हैं ना तो उसमें थोड़े बहुत बीज मतलब मोटे मोटे बीज के रह ही जाते हैं, ऐसे कद्दूकस कर देते हैं ना तो पूरा अच्छे से साफ हो मतलब एकदम पूरी आलू जो है ना महीन हो जाती है। तो जल्दी 2 आलू मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ज़्यादा हो गई थी तो रख दूँगी, वो शाम को किसी न किसी काम में आ जाएगी, तो 2 आलूओं को मैंने रख दिया है। और जल्दी से तड़का लगा देते हैं क्योंकि आज जो आलू का पराठा मैं आलू में तड़का लगा के बनाऊँगी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी ही इसमें मैंने डाल दिया है राई, और इसके बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था तो वो डाल दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट का पकने के बाद और इसमें मैंने आलू ऐड कर दी, अब आलू में डाल देते हैं पहले धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाल दी है, और इसमें हल्दी कलर के लिए ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही हल्दी ऐड करना है, और स्वाद के अनुसार नमक। और इसके बाद अब डाल देना है इसमें धनिया की पत्ती, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक है पूरे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले हैं जो सभी चीज़ें, तो इसके बाद फिर इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड कर दूँगी। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस करीब 1 मिनट के करीब ही भून के मतलब पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए धनिया की पत्ती, अलग अलग ना रहे। तो फिर चलिए इसके बाद बनाते हैं पराठे। और इससे बच्चों की आज छुट्टी भी थी है तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो जल्दी ही बन जाता है, बच्चों का आज पेपर नहीं था जिसकी वजह से ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट लपेट ही है, तो चलिए कोई बात नहीं और फटाफट पराठा बनाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ।
एकदम मतलब गीला गीला हो गया था, अगर थोड़ा सा ना ये टाइट रहता है तो जल्द अच्छे से पराठा बनते हैं, बन तो एकदम अच्छे से रहें, क्योंकि आटा मैंने गीला ही लगाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आलू भी मैं फ्राई करूँगी तो ऑलरेडी गीली हो जाएगी और अच्छे से ठंडी भी नहीं हुई थी, पर बच्चे बोलने लगे नाश्ता बनाने के लिए, तो गरम गरम में आलू में ऑलरेडी मतलब गीला, पर अच्छे से बन रहा था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था पर बन अच्छे ही रहे थे। और मैंग को मैंने दे दिया है पहले ही मतलब बना के, और अब पहले गरम गरम ही पराठे अच्छे लगते हैं, आलू के या किसी के भी हो तो गरम गरम ही अच्छे लगते। तो यहाँ पास एक एक बना के ना सबको ब्रेकफास्ट में धीरे धीरे करके देती जा रही हूँ, और मतलब एक काम भी होता जा रहा है, यानी कि फिर रख देंगे और फिर गरम करो तो डबल काम बढ़ जाता है ऐसे में, और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट कर लें तो अपना भी टाइम निकल जा मतलब सही से यूज हो जाता है। और इसके बाद परी को चाहिए मतलब प्याज डाल के आलू का पराठे, तो उसके लिए बारीक बारीक पहले प्याज कट कर लेती हूँ और इसको आलू के साथ मिक्स कर लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।